कंचन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो जीएम स्पॉट। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारा इस चैनल में। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बतलाऊंगा कैसे हम कंप्यूटर में पासवर्ड सेट कर सकते हैं, तो चलिए सीख लेते हैं। चलिए डेस्कटॉप में जो स्टार्ट बटन है क्लिक कीजिए, उसके बाद कंट्रोल पैनल में आइए, देन ओपन यूजर अकाउंट, इसको डबल क्लिक कीजिए। चलिए यहाँ देखिए चेंज अकाउंट है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। मेरा कंप्यूटर का नाम है UYCTC, आपका भी जो नाम होगा उसको क्लिक कीजिए, वही होगा आपका कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर, उसको क्लिक कीजिए। यहाँ हम चेंज माई नेम जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करके नेम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है क्रिएट पासवर्ड, यहाँ क्लिक कीजिए, देन टाइप ए न्यू पासवर्ड, ये जो ऑप्शन है यहाँ आप पासवर्ड सेट कीजिए। सपोज हम तो पासवर्ड सेट करते हैं, देन कंफर्म अगेन टाइप द सेम पासवर्ड। चलिए क्लिक ऑन क्रिएट पासवर्ड, ये जो ऑप्शन है क्लिक कीजिए। चलिए वी वांट टू मेक योर फाइल एंड फोल्डर प्राइवेट, तो चलिए इसको हम क्लिक करते हैं यस मेक प्राइवेट। इसको बंद करते हैं, तो चलिए इसको भी करते हैं। आपको आप दिखाते हैं हम, तो चलिए यहाँ पर आइएगा, फिर इसको जब ही हम टर्न ऑफ कीजिए रिस्टार्ट में क्लिक कीजिएगा, देन जब ही आपका कंप्यूटर ओपन होगा तो आपको पासवर्ड देना होगा जो पासवर्ड आपने सेट किया है। अगर आप पासवर्ड नहीं देंगे तो वो जो कंप्यूटर है पासवर्ड सेटेबल है वो नहीं खुलेगा, तो पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, देने के बाद ही आपका कंप्यूटर ऑन होगा। तो यही सिस्टम है, यही सिस्टम से हम कंप्यूटर में पासवर्ड सेट करते हैं, यही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त वीडियो आपको अच्छा लगा। इस तरह टेक्नोलॉजी रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।